ये एम्स ने हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर एमसी मिश्रा के निर्देश के अनुसार हमने सोचा कि समाज को इस भय और बेचैनी के माहौल से निकालने में हम अपनी तरफ से प्रयास करें। तो ये जन व्याख्यान जो डेंगू बुखार पर है, ये इसी के मद्देनजर रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ इस पब्लिक लेक्चर के बाद जो समाज में जो भय फैला हुआ है डेंगू को लेकर, उसमें थोड़ी कमी करने में हम मदद करेंगे। आज के जो पैनलिस्ट और स्पीकर्स हैं वो इस क्षेत्र के वेल रिनोन लोगों में से हैं। मैं एक एक करके उन्हें मंच पे आमंत्रित करूंगा ताकि हम ये प्रोग्राम शुरू कर सकें। प्रोफेसर एमसी मिश्रा, डायरेक्टर एम्स, जिनके विजन के अंदर हम काफ़ी तरक्की करने की कोशिश करते हैं और एकेडमिक एक्टिविटी में उनका सहयोग हमेशा से रहा है। प्रोफेसर एस के शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन, जो डेंगू बुखार को लेकर काफ़ी सक्रिय योगदान निभा रहे हैं समाज को इस भय से मुक्त करने में। डॉक्टर एसी धारीवाल, डायरेक्टर नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल डिजीज प्रोग्राम इंडिया, जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे हमें मार्गदर्शन करते हैं। प्रोफेसर आशुतोष विश्वास, जो डेंगू गाइडलाइन डेवलपमेंट टीम के सक्रिय सदस्य हैं। प्रोफेसर संजीव सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स। प्रोफेसर प्रवीण अग्रवाल, जो इमरजेंसी मेडिसिन के हेड हैं और हमारी इमरजेंसी टीम को लीड और मार्गदर्शन वही करते हैं। डॉक्टर ललित दर, जो माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर हैं और डायग्नोसिस में हमारी मदद वही कर रहे हैं। डॉक्टर पूनम, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लेटलेट से रिलेटेड हमारी समस्याओं का समाधान करेंगी। डॉक्टर अनिल गोस्वामी, जो कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे प्रोफेसर एस के कामरा, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो पीडियाट्रिक डेंगू के बारे में हमसे बात करेंगे। आप समय व्यर्थ न करते हुए मैं प्रोग्राम शुरू करता हूं और अपने डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा से दरख्वास्त करता हूं कि वो आकर इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। धन्यवाद नीरज, प्रोफेसर शर्मा, प्रोफेसर धारीवाल, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर ललितदार, डॉक्टर गोस्वामी, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर काबरा, डॉक्टर आशुतोष, प्रवीण और डॉक्टर तिवारी हमारे आए हुए हैं। मैम एस साहब बैठे हैं यहाँ पे, डॉक्टर प्रोफेसर बलराम एरन, मिस्टर श्रीनिवास, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सीनियर एफ ए, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, thank you for coming. Actually we were planning to have last year also we had a public lecture on vector borne diseases, particularly dengue, and last year Ebola was making lot of noise and news, so we also covered Ebola last year because that was a scare in India also. But this year naturally the dengue has become endemic और लगभग सारी साल ही होता है, ठीक है, जुलाई से सितंबर तक इसका अपसर्ज होता है प्रतिवर्ष और होगा आगे आने वाले समय में भी। जो हम लोग मैसेज देना चाहते थे और वो आगे अब आ भी गया पिछले एक हफ्ते से, मैं समझता हूँ कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में कवरेज हुई है जो शुरू में नहीं थी। पैनिक ज़्यादा क्रिएट हुआ उस उन न्यूज़ से, डेथ से, जो भी हुई अनफॉर्चुनेट डेथ्स हैं। इवन एबोला जो इतना कंटेजियस डिजीज़ है, अगर आप देखें WHO के जो एडवाइजरी थी लास्ट ईयर, और उन्होंने आखिर में, जैसे अमेरिका में भी एक दो लोगों की डेथ हुई थी एबोला से जो वापस गए थे अफ्रीका से, तो वहाँ पे भी पैनिक था और सब जगह थोड़ा सा डर रहता है, तो वहाँ पे भी यही एडवाइजरी थी कि अगर आप इवन एबोला जो इतना कंटेजियस था उससे भी देखिए, ठीक है, देवर large number of people who died, but there were reasons for it, and that was the advisory that despite that Ebola killed so many, dengue kills some, and other viral diseases also, common cold, influenza kills people, other viral diseases kill, but we forget every time
that we still have more people dying with suffering from malaria, tuberculosis, HIV, even today. But dengue somehow made a lot of noise because there is an upsurge. And cases are becoming too many all over India, and not only over India, this is global burden. I think Pallav would, he sent me two articles, and one published in Nature, there was a letter, and another in British Journal of Tropical Medicine. And what it says basically that the cases are far too many as compared to what are reported or we get notified. For example, if you look at that, if we have said that 27,000 dengue cases have been so far picked up, that just says that these many cases have been confirmed dengue, and the proportion of people who have died even this year are less than previous years. That is also true. Then what we need to identify and pick up those patients early on, if something can be done in those, because some of the patients which have contracted this more virulent form this year, which is dengue 2 and 4, who develop multi-organ involvement very quickly, there is a capillary leak, platelet dysfunction, and it leads to severe organ damage. And that is what we have observed in those who have died at even at AIIMS this year, that the progression of the disease is so rapid that irrespective of what you do, that they don't seem to retreat into the pre-dengue state. Then another thing what we wanted to highlight through through the electronic media particularly and print media also, that the panic should not be there. Now if somebody, I gave example, and I'm giving these examples for reassuring everyone, that son of my faculty colleague who is working with me had dengue, or I don't know whether he had dengue, but he had fever, symptoms like dengue. He consulted a pediatrician, Dr. Kabra, and he reassured that you keep it at home, hydrate him, and again you can bring him. So no test was done on him. That faculty member, what he did, he put up one hourly alarm in his phone or whatever, in his clock, and he would wake up himself, wake up the child, and give him fluid through the night. And that is what was required. If somebody has high fever not coming down, because we are saying you take only paracetamol, and if the fever is not coming down with that, the best treatment of any fever is hydrotherapy. Take a sheet, light sheet, wet it, cover the patient with it, and put up the fan. The fever will come down in 15 minutes, and that is what we want. And then keep the hydration on. When patient has vomiting, cannot digest even fluids, and any indication for any reason. Yesterday, one of my office colleagues, she called me, her daughter. She had bleeding from nose. Her platelet count was 160, and she was panicking and crying on phone. I said, why do you cry when platelet is normal? This bleeding is unlikely to be dengue, even if she is positive dengue. And that is what turned out to be, that it was epistaxis of the usual nature, and it is stopped. So what I am trying to say, there is a lot of panic generated, because when you say somebody died, people think everybody who has dengue will die, but this is not the case. Most patients, first of all, are not dengue. Even if they are dengue, every dengue patient is not dengue, is not that severe or serious in nature. What we need to identify, very few patients who would develop the complication or the most virulent form, that is where we have to be a little more proactive. And that is something which doctors also have to be aware, not only the public. The doctors also have to pick up those signs early on and start treating those patients. And what on that child he was doing, he was tying a blood pressure cuff here, inflating it between systolic and diastolic, keeping it for 2 minutes, 3 minutes, and if there is no petechial hemorrhage on the arm, then there is no panic, even if the platelet count is 20,000 or 30,000. So it is not related to platelet count. Platelet count may be low, still you may not have bleeding, because we have platelet count low for other reasons also in the community. And one patient actually from Kanpur came,
who had platelet count of 5,000, but she was not dengue. She, that patient had something condition we call idiopathic thrombocytopenic purpura. So, but the patient had no bleeding. So, what I am trying to say is that this panic should not be there. And what we need to do if somebody has fever, whether it's dengue or non-dengue, what we do's and don'ts we should remember, that how to keep the patient hydrated, how to do hydrotherapy. I think these are two very basics which anybody can do at home. Another example I gave, one of our former directors, and she is mid-80s now, she had fever. She was advised to rest at home. No test was done for her and she recovered. So what I'm trying to convey this, that everyone flocking the hospitals with fever is not going to solve the problem. Anybody who calls me that I am having fever and then they diagnose dengue, I said, son, why do you panic? So we counsel. But naturally that counseling can be done by most of us, even the lay public, those who are not knowledgeable about that, what should be done. Possibly those who go into this capillary leak, bleeding, dehydration, is because they do not consume as much fluid as is required. And if there is some problem, that vomiting or something, then naturally they need to be hospitalized. So with that, I welcome the panel here, which is a distinguished panel, and they will begin and answer all your queries which might be there, and reassure the public at large that please do not panic, and that is what has to be done. We have to be very measured response to a problem. Like, we must learn from Japanese on that, that even in Fukushima disaster, they were so calm, even the public was so calm. So I think we need to learn from some people how to remain calm in times of these problems. There is a definite upsurge. The cases are much more. There is no doubt about that. But Dr. Lalitdar would share with you that not every case was dengue case. Even in his data, almost 50% are non-dengue. Only 50% are dengue. So I think that is what we need to do. So I thank you for all, and we'll have a good interactive session now. Thank you. Thank you, sir. So message is loud and clear. Do not panic, because panic is the biggest killer in any sort of disaster or epidemic. अब मैं प्रोफेसर एस के शर्मा से एक निवेदन करूंगा कि वो मंच संचालन करें और इस प्रोग्राम को आगे शुरू करें. थैंक यू डॉक्टर नीरज. मैं इस इंस्टीट्यूट में बहुत सारी आउटब्रेक देख चुका हूँ. 1988 में मैंने देखी थी आउटब्रेक. 96 की हमने आउटब्रेक देखी थी, वो जो काफ़ी सीवियर थी, और हमने ग्रैंड राउंड भी किया था 96 में. और उसका मेन मैसेज था उस 96 की आउटब्रेक का, एम्स से दोनों एज ग्रुप में, अडल्ट्स में भी और पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी, कि प्लेटलेट काउंट डू नॉट प्रेडिक्ट डेथ और द सर्वाइवल. सो अभी हम चर्चा करेंगे इस विषय में, क्योंकि मीडिया और इवन माइंड सेट पब्लिक का है कि प्लेटलेट काउंट, डेंगी का मतलब ये लिया जाता है कि ई इज इक्वल टू प्लेटलेट्स. नो, इट्स नॉट ट्रू. दूसरा एक्चुअली जो अडल्ट्स, मैं अडल्ट्स के बारे में बात करूँगा, डॉक्टर काबरा इस विषय में बच्चों के बारे में बताएंगे, और इमरजेंसी का डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल बताएंगे, डॉक्टर आशुतोष भी बड़ों के बारे में बताएंगे. ज़्यादातर पेशेंट्स डेंगू को हम आम तौर पे डेंगू फीवर, सिंपल फीवर, और दूसरा होता है कि डेंगू के पेशेंट्स DHF जिसको बोलते हैं कि थोड़ा सा वो खतरे की तरफ बढ़ रहा है, और DSS डेंगू शॉक सिंड्रोम. शॉक का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर लो जा रहा है, तो आपके आसपास जो डॉक्टर है वो ले सकता है ब्लड प्रेशर, वो वार्निंग एक सिम्टम है. पर उस स्टेज तक ना पहुँचें आप कि हाथ पैर ठंडे हो जाएं और आपके ब्रेन सर्कुलेशन कम हो जाए, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर लंग्स वाला अफेक्ट हो जाए, किडनी में कोई प्रभाव हो इसका. सो ज़्यादातर पेशेंट 99% 98% जो हैं सिंपल डेंगू फीवर के होते हैं, और DHF की स्टेज में भी रिकवरी
बहुत सारे लोगों में हो जाती है, पेशेंट्स में हो जाती है, और डीएसएस में थोड़ा सा प्रोग्नोसिस का प्रॉब्लम है, जहाँ की ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और पेशेंट यूजली लेट आते हैं हॉस्पिटल में। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर पेशेंट्स को सिंपल डेंगी होता है और बड़ों में, और वही अप्लाई होता है बच्चों में भी, और ज़्यादातर पेशेंट्स को ज़रूरत नहीं पड़ती कि हॉस्पिटल में जाकर दाखिल हों या टेस्ट करवाएं। आउटब्रेक के टाइम पे एडवाइजरी ये होती है कि सब पेशेंट का टेस्ट ना हो, क्योंकि अगर आपको डेंगी सस्पेक्टेड है, क्योंकि और वायरस भी हो सकता है, जो आजकल सीजन चेंज हो रहा है, गले का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती है वायरल फीवर की वजह से। प्लेटलेट काउंट पे ना जाएं, तो एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर हीमेटोक्रिट, जो डिटरमिन करता है कि कितना लीक हुआ है या डिहाइड्रेशन वगैरह पेशेंट में है या नहीं है। सिंपल इसका ये होता है, जो जितना आपका हीमोग्लोबिन है मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू हीमेटोक्रिट। आमतौर पर रफली मेडिकल कॉलेज में ऐसे या नर्सिस को ऐसे पढ़ाया जाता है। सो बहुत ज़्यादा जैसे 50 से ऊपर चला गया, दैट मीन्स आपका ब्लड थिक हो गया। उस स्टेज में एक्चुअली अभी डॉक्टर मिश्रा ने भी बोला कि हाइड्रेशन, अगर पेशेंट वोमिटिंग नहीं कर रहा है, अगर वोमिटिंग कर रहा है फिर तो इंट्राबेनस रूप से देना पड़ेगा, जो कि माइनॉरिटी में होता है। सो मैं ये कहूँगा कि हाइड्रेशन से सब कुछ हो सकता है, ठीक हो सकता है, और प्लाज्मा लीकेज की स्टेज में मरीज को ना पहुँचाएँ, और उससे पहले ही उसी स्टेज पर ठीक करें जब वो सिंपल डेंगी फीवर है। और डेंगी शॉक सिंड्रोम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है रिकवरी का होता है, वो एडवांस स्टेज होती है, उस स्थिति में तो पेशेंट को हॉस्पिटल में लाना ही पड़ता है। तो मेरा मैसेज ये होगा कि हर पेशेंट अगली हॉस्पिटल में ना आए, और अननेसेसरी एमरजेंसी या कैजुअलिटी को ओवरलोड, हेल्थ केयर फैसिलिटी को ओवरलोड ना करें, ओपीडीज में ना आए। ज़्यादातर आप संपर्क अपने डॉक्टर से बना के रखें, अगर ज़रूरत पड़ती है आपको तो फ़ोन करें, उसके कंटेक्ट में रहें। अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करता फैमिली फिजिशियन या लोकेलिटी का डॉक्टर, तो आप ज़रूर हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करें। मैं ये भी कहूँगा जो नीडी पेशेंट्स हैं उनको डिले नहीं करना चाहिए। और एक और बात है, अडल्ट में स्पेशली 50 प्लस वाले, उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस होते हैं, डायबिटीज़ या किडनी की क्रॉनिक बीमारी और लिवर वगैरह की, उनको फ्लूड ओवरलोड होने का चांसेस रहते हैं, स्पेशली जब फ्लूड रिकवरी होती है थर्ड स्टेज होती है। सेकंड स्टेज बहुत ही क्रूशल होती है, क्रिटिकल फेज जिसको बोलते हैं हम, थर्ड रिकवरी होती है फ्लूड की। जो ये कोमॉर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट्स होते हैं, जब रिकवर हो रहा होता है फ्लूड वापस सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम आता है, उसमें प्रॉब्लम होता है, तो वन हैज़ टू बी केयरफुल अबाउट दैट। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि बार बार प्लेटलेट पर इतना ज़्यादा ध्यान न दें, हीमेटोक्रिट। तीसरी बात जो आजकल बार बार हर जगह पूछी जा रही है, मीडिया में भी आ रहा है, बकरी का दूध, पपाया की लीव्स वगैरह वगैरह, कि मैं ये बताना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, एंड वी आर नॉट रिकमेंडिंग अनलेस देयर इज अ साइंटिफिक प्रूफ, प्रॉपरली डिजाइंड कंट्रोल्ड ट्रायल्स आर कंडक्टेड, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग। हम एलोपैथी के डॉक्टर्स को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। सो जो अभी आजकल न्यूज़पेपर वगैरह में भी आ रहा है कि बकरी का दूध महंगा हो गया है और उससे प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, आई डोंट फाइंड एनी कोरिलेशन विद गोट्स मिल्क एंड प्लेटलेट काउंट, दैट इज वन। नंबर टू, पपाया का भी प्रूफ नहीं है, एलोपैथी के डॉक्टर सर्टनली विल नॉट रिकमेंड, स्पेशली जो आप काढ़ा वगैरह बनाते हैं पत्तियों का, अगर नहीं भी हो रही तो ये वोमिटिंग बिकॉज ऑफ बिटरनेस कैन प्रोड्यूस वोमिटिंग्स और विल एड फ्यूल टू द फायर, दैट मीन्स एक्चुअली आपका डिहाइड्रेशन बढ़ सकती है, स्पेशली जब एक्चुअली आपका स्टेज जो है कैपिलरीज पे लीकी हो रही है और प्लाज्मा चेंज हो रहा है, प्लाज्मा लीक हो रहा है स्पेसिस में, अब्डोमेन की कैविटी में या प्लूरा वगैरह में। सो देयर कुछ ही वार्निंग सिम्टम्स हैं, जब ये बढ़ जाते हैं या फिर ब्रेन वगैरह पे सर्कुलेशन का इफेक्ट हो रहा है, तो उस वक्त आपको हॉस्पिटल में लाना चाहिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई है नहीं, वैक्सीन कोई है नहीं इसकी, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में बुखार उतारने की कोई भी दवाई, जैसे पैरास्टामोल इज सेफ, पर आमतौर पर जो ओवर द काउंटर ड्रग मिलती हैं उसमें पैरास्टामोल के साथ कुछ ना कुछ मिला होता है, निमोसुलाइड मिली होगी, प्लीज़ उसको ना लें, सिर्फ साधारण रखें। हाइड्रोथेरेपी जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया, वो सिंपल हाइड्रोथेरेपी से ही बुखार उतारा जा सकता है, पैरास्टामोल सेफेस्ट है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इसके बाद में बाकी लोगों को और आपसे इंट्रैक्शन जरूर होगा, तो यू लाइक टू क्लैरिफाई योर डाउट्स एक्सेट्रा। थैंक यू सर।
अभी के जो भी वार्तालाप जो भी डिस्कशन हुआ है उससे हमने 3 P के बारे में सीखा है। पहला पी पैनिक नहीं करना है, दूसरा पी प्लेटलेट के पीछे नहीं भागना है, और तीसरा पी पानी पूरी तरह से पीना है। हमारे अगले स्पीकर हैं प्रोफेसर डॉक्टर AC धारीवाल जो डायरेक्टर हैं नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल डिजीज प्रोग्राम के। वो अभी देश में क्या चल रहा है उसके बारे में हमें अवगत कराएं। At the outset, sincere thanks to the organizers, Dr. Mishra, Dr. Sharma, and other colleagues from AIIMS to organize this public lecture. ये बड़ा उपयुक्त समय पर रखा गया है, और मैं क्योंकि जो एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम चल रहा है जिसमें वेक्टर बॉर्न डिजीजेस मलेरिया डेंगी चिकनगुनिया जापानीज एनकेफेलाइटिस का जिम्मेदारी प्रोग्राम को दी गई है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ जानकारी जो मैं समझता हूँ कि जो कुछ भ्रांतियाँ चल रही हैं अभी जिसकी वजह से आज की जो स्थिति है वो अपने को देखने को मिली, और उसमें इस विषय को डिस्कस करने के लिए इस विषय को समझने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी जो और दूसरी बातें हैं उससे पहले थोड़ा सा साइंस इसके बारे में जो है वो जान लें। डेंगू की जो बीमारी है सिंपल फीवर जैसा डॉक्टर ने जो बताया कि पहले भी होता था वायरल फीवर के हम जो है वो बढ़ जाते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी सुविधाएं खास करके डायग्नोस्टिक सर्विसेज इम्प्रूव की, और जो है वो इसको नाम दिया गया डेंगू, और डेंगू में फिर जो है वो आगे बढ़े तो 1996 का डॉक्टर शर्मा ने जैसे जिक्र किया दिल्ली से संदर्भित बात है, इसलिए जो लोग बुजुर्ग हैं याद भी होगा कि उस समय ऐसी स्थिति आई कि वो एक खास टाइप का जो चर्चा में और आगे आएगा कि डेंगू हेमरेजिक ज़्यादा रहा और उसमें काफ़ी जो है वो डेथ हुई, और उसके बाद तो प्रोग्राम में पहले डेंगू के लिए कोई भारत सरकार की तरफ से ऐसी स्कीम नहीं थी कि जहाँ पर ये जो है वो देखा जाए और कि क्या हो रहा है डेंगू से संबंधित, किस तरह के वायरसेस सर्कुलेट कर रहे हैं, क्या इससे जो है वो जुड़े हुए और पहलू हैं। ये जब से जो है वो कार्यक्रम के तहत आया, एक कहा जाए ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी शुरू हुई, तो उसमें फिर इसमें सभी प्रबुद्ध वर्ग ने भी जो है वो सोचना शुरू किया, और जो खास जानकारी आज की तारीख में आप लोगों के समक्ष मैं रखना चाहूँगा क्योंकि ये पब्लिक लेक्चर है और हम लोगों का काफ़ी सालों का अनुभव रहा है, पूरे देश का जो है वो अनुभव रहा है कि इसकी लड़ाई अकेले सरकार नहीं कर सकती है। ये कहने के पीछे मेरा एक कारण है कि इसका जो मच्छर है एडीज जिसका नाम है, टाइगर मॉस्किटो भी जो है वो कहा जाता है, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत से लोग जो यहाँ बैठे हैं वो उड़ते हुए मच्छर को देख करके पहचान सकते हैं कि ये एडीज मच्छर है, क्योंकि जैसा नाम से इंगित हो रहा है कि टाइगर मॉस्किटो उसकी बॉडी पर उसकी लेग्स पर स्ट्रिप्स होती हैं वाइट और ब्लैक कलर का अल्टरनेट, तो वो जो है वो पहचान में आ जाता है, और बहुत से लोग इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है उस पर यदि नज़र डालें तो उत्पत्ति इतने कम पानी में, साफ पानी में, हम इसको बोलते हैं कि ये हाइजीन कॉन्शियस मॉस्किटो है जो अपन लोगों को होना चाहिए। एक मानव के स्वभाव में ये होना चाहिए कि हाइजीन जो कहा जाए अपने कल्चर में अदरवाइज है कि आप अपने जीवन शैली पर यदि जो है वो थोड़ा सा डालें
तो अपने ही देश में ऐसा है कि सुबह उठते ही एक प्रक्रिया जो है वो, उसके बाद में डेली ब्रीदिंग का, और जगह देशों में आप जाओ तो कई जगह सुनने में आता है कि 7-7 दिन तक नहाने की प्रवृत्ति नहीं है। तो हाइजीन का हमारे कल्चर में इनकल्केटेड है ये चीज, साफ सफाई का घरों के अंदर, और खास करके देख रहा हूँ मैं तो अर्बन एरियाज की तो बात जो है वो, रूरल एरियाज में आप जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाइए, अभी भी जो गांव के घर हैं उसमें लिपाई पुताई डेली होती है, चाहे वो गोबर का प्रयोग करें चाहे वो और किसी जो है वो करें, डेली उनके यहाँ रंगोली होती है, साफ सुथरा जो है वो गाँव मिलता है। लेकिन शहरों में अपन लोग ये जो हाइजीन कॉन्शियस मॉस्किटो से मैं बात जो है वो, कि हम लोगों को कुछ सीखने की आवश्यकता है, तो उसमें हमने जो हमारी प्रवृत्तियां कि प्लास्टिक का सामान आजकल बहुत ज्यादा यूज में है, हर चीज में प्लास्टिक, और ताज्जुब होता है आजकल मैं देखता हूँ कहीं भी जो है वो आप निकल जाइए और आप कहीं यहाँ भी बाहर आप निकलें तो जो है वो जो अटेंडेंट हैं चाय पॉलिथीन की थैली में मिल जाती है, पॉलिथीन थैली के साथ में एक पॉलिथीन का छोटा सा प्लास्टिक का कप मिल जाता है, जो हमारे चाहे वो अटेंडेंट हो चाहे वो हमारे गार्ड हो चाहे हम जो कभी हम लोग भी उसका प्रयोग करते हैं, और उस ग्लास को वैसा का वैसे ही जो है वो डाल देते हैं। वो ग्लास या प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल का जो कैप होता है उसको यदि आप उल्टा कर दें और उसमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो पानी पर्याप्त है एडिस के मच्छर को हजारों एक्स ले करने के लिए। पानी की टंकियां हैं घर के ऊपर, वो खुली रह गई तो उसमें पानी हो सकता है, चाहे उसमें से पानी हम डे टू डे यूज में ला रहे हो, फ्लो हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो पानी क्योंकि इकट्ठा है और इसका जो एडिस की हैबिट होती है कि वो एग लेइंग के बाद जो लार्वा बनते हैं वो कोने में जो है वो रहना पसंद करते हैं, जो अंधेरे वाली जो है वो जगह है वहां जाकर के, तो पानी का फ्लो यदि जो है वो दूसरे साइड से हो रहा है तो वो वहां पर पड़े रहेंगे और अपनी उनकी जो भी डेवलपमेंट है वो होता रहेगा, तो उस पानी में भी हो सकता है। आजकल मतलब यहाँ दिल्ली में तो कम देखा, लेकिन आप चेन्नई निकल जाइए क्योंकि पानी की वहाँ दिक्कत है तो रेन हार्वेस्टिंग, तो वो जमीन के नीचे पानी जो है वो इकट्ठा होता है, वो खुला रह जाता है तो वो बहुत बढ़िया एडिस के लिए, मतलब आप जब कुछ समझिए कि बल्ले बल्ले होने वाली बात है कि खूब उनको ब्रीडिंग प्लेस मिल जाता है। तो हमने हमारे छत पर भी और हमारे नीचे भी और हमारे आसपास भी घरों के अंदर प्लास्टिक के बड़ा शौक हो गया है आजकल कि फ्लावर वेस्ट होना चाहिए, उसमें जो है वो ये जो बेम्बू प्लांट है छोटा वाला उसका जो है वो लगभग लगभग आजकल घरों में नहीं तो घरों में एज ए गिफ्ट जो है वो दिया जाने लगा है कि ये हमारी एक तरह का एनवायरनमेंट कॉन्शियस जो है वो, लेकिन उस प्रोसेस में हम जो है वो ये चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। मैं ये सब बातें आपको विस्तार में इसलिए थोड़ा सा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बातें हमको पता हैं, लेकिन ये बातें जानना जरूरी है क्योंकि प्रश्न उठ रहा है कि सरकार क्या कर रही है। हर साल डेंगू की बीमारी होती है, उसके लिए क्या हमको जो है वो क्या तैयारी है और क्या हमको करना चाहिए, तो इसमें सरकार का रोल हम लोगों को ये लगता है हेल्थ प्रोफेशनल्स को कि जरूर जानकारी देना जो है वो काम है। इस पर जो है वो जो ये महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक पहलू इसमें और जो है वो जुड़ा हुआ है साइंस के हिसाब से कि इसका जो ट्रांसमिशन है, मच्छर जो एग, यदि मच्छर ने किसी डेंगू पेशेंट को जो वायरिमिया स्टेज में है जिसके शरीर में वायरस है उसको यदि काटा, इन्फेक्ट हो गया, तो उसके जो एग्स होंगे उसमें भी यदि आप जो है वो ट्रैचुरेट करके और वायरस सेल लाइन में जो है वो डालें
डॉक्टर धर जैसे जो है वो वैज्ञानिकों ने ये जो है वो किया है, तो उसमें भी वायरस पाया गया। इस प्रक्रिया को ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन बोला जाता है। जो और मच्छरों में जो और बीमारियां हैं मच्छर जनित, चाहे वो मलेरिया हो या फाइलेरिया हो या और जो है वो बीमारियां हो, उसमें नहीं होता है। ये डेंगू में खास करके कि इसमें ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन होता है। एक बार मॉस्किटो इन्फेक्ट हो गया तो उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी भी जो है वो इन्फेक्टेड रहेगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो हमारे ऐसे स्थान जहाँ पर एडीज ब्रीड कर सकता है उसको केवल सुखाने से काम नहीं चलेगा, उसको स्क्रब भी जो है वो करना पड़ेगा या टोटली उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। कि ऐसे जैसे प्लास्टिक के मैंने उदाहरण दिए, वो सब इकट्ठा करके आप जो है वो एक और गड्ढे में डाल दीजिएगा। उसको यदि आपने वैसे ही छोड़ दिया तो उसमें फिर पानी आकर के फिर वापस जब भी जो है वो कंडीसिव एनवायरनमेंट होगा तो फिर वापस ग्रो कर जाएंगे। और इसका जो एक्स है उसमें ये भी जो है वो खासियत है कि ये देखा गया है कि डेढ़ साल तक उसको यदि पानी ना मिले, जिसको कहा जाता है डेसिकेट जो है वो हो जाते हैं ड्राई होने के बावजूद भी, तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो डेढ़ साल आप ये समझिए कि हमने इस साल कर दिया, ये जरूरी नहीं है कि जो है वो आपका कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया। इसलिए डेंगी में ये एक अलर्टनेस होना, समाज में ये जागृति आना कि जो है वो हमको ये करना पड़ेगा। हम पहली बात क्यों अलाउ करें ऐसी चीज, और दूसरी बात जो है वो जैसे अभी जो है वो चल रहा है, इस टाइम जो है वो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज की संख्या दिल्ली में काफ़ी होगी और जहाँ जहाँ केसेस हो रहे हैं उन क्षेत्रों में ये खास करके ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कूलरों को ऐसी ना छोड़ दें, हम जो है वो चीज़ों को ऐसा ना छोड़ दें, उसकी स्क्रबिंग करें। तो ये जो है वो कुछ साइंस के पहलू हैं जो प्रिवेंशन के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जो है वो ज़रूरी है कि अपन लोग सब जो है वो इस चीज़ को जान लें। जो आगे की बात है कि यदि मॉस्किटो बाइट कर जाता है तो बीमार बुखार हो सकता है, बुखार हो सकता है उसके बाद में 10 तरह की बातें जो कही जा रही हैं उसका, जैसा डॉक्टर मिश्रा ने डॉक्टर शर्मा ने जो है वो बताया कि बहुत सारे केसेस में सीवियरिटी नहीं होती, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो घर पर ही जो है वो ट्रीटमेंट लेकर के और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेकर के मैनेज हो सकते हैं। ये जो कि नहीं डेंगू हो गया, नाम उसका जो है वो ऐसा कि नहीं उसमें जो है वो डेथ होनी होनी है, सीवियर सिम्टम होनी है, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन होनी है, तो मैं आप लोगों को ये जो है वो कॉन्फिडेंस से, क्योंकि ना केवल अपने देश की प्रॉब्लम अपने से ज़्यादा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में है, अभी बहुत बड़ा आउटब्रेक चल रहा है चिली में, ब्राज़ील में बहुत बड़ी समस्या है, इक्वेडोर में बहुत बड़ी समस्या है, अपने पड़ोस के राज्यों में देशों में देखें तो श्रीलंका मलेरिया उन्मूलन करके बैठा हुआ है, 2012 से उनके यहाँ नवंबर से कोई केस नहीं है, लेकिन डेंगू की समस्या उनके यहाँ अपने से भी ज़्यादा है। इंडोनेशिया में बहुत बड़ी समस्या है, थाईलैंड में बहुत बड़ी समस्या है, तो ये लगभग काफ़ी जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं अपने उन सब में डेंगू की, और वहाँ का ये निष्कर्ष है कि डेंगू के लिए हमको ये जागरूकता ही जो है वो तरीका है। उसमें सरकार कुछ कर सकती है, सरकार के हाथ में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे बायलॉज का जो है वो स्ट्रिक्ट बायलॉज का जो है वो एनफोर्समेंट, कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे जो है वो देखा गया है एडीज का जो है वो डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो वहाँ कुछ जो है वो ऐसे कायदे कानून जो है वो लगने चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बम्बई के जो बायलॉज हैं वो इस मामले में बड़े सख्त हैं और वहाँ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाता है यदि मॉस्किटोजेनिक कंडीशन हो रही है तो सरकार कुछ इस तरह की जरूर जो है वो बात होती है कि जैसे सोर्स रिडक्शन वाली तो बात ठीक है, एंटी लार्वल के लिए जो है वो दवाई उपलब्ध कराना सरकार की हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें अपने पास भी जो हर एक घर में मौजूद है, किसी भी तरह का ऑयल हो, पेट्रोल हो, जला हुआ जो है वो तेल हो, केरोसिन ऑयल हो,
वो भी जो है वो डालने से उसकी एक फिल्म यदि बना दी जाए तो दैट इज ऑल्सो गुड एनफ टू प्रिवेंट द मॉस्किटो ब्रीडिंग। उसके अलावा आगे जो है वो चलते हैं तो अपने आप को जो है वो फुल स्लीव्स की जो है वो शर्ट इन दिनों में कपड़ा जो है वो पूरा पहनना और जो है वो रेपेलेंट वगैरह का प्रयोग जो बाई एंड लार्ज देखा गया है कि उनका प्रोटेक्शन लगभग 6 घंटे का, अभी कुछ ऐसे केमिकल आ गए हैं जिनका प्रोटेक्शन 8 घंटे का भी होता है। तो जो लोग रेपेलेंट यूज कर रहे हैं उनके लिए मेरा जो है वो ये देख लें कि रेपेलेंट में इस तरह का केमिकल हो कि जिसका प्रोटेक्शन लॉन्गर पीरियड के लिए हो, वो यूज करना चाहिए। फॉगिंग के ऊपर थोड़ा सा मैं जो है वो स्पष्टीकरण और जो साइंस है वो जो है वो बताना चाहूँगा क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत चर्चा जो है वो चल रही है और जो हमारे कॉरपोरेशन के अधिकारीगण हैं उन सब के बात होती है कि आजकल अब क्योंकि जो है वो हल्ला गुल्ला बहुत है और केसेस हैं भी तो उसमें जो है वो हर कोई डिमांड करता है कि मेरे एरिया में फॉगिंग हो जानी चाहिए। तो फॉगिंग के पीछे भी साइंस अपने को समझनी चाहिए कि फॉगिंग में एक केमिकल यूज होता है जिसका नाम पायरिथ्रम है। वो एक वैसे तो वेजिटेबल जो है वो प्रोडक्ट है, एक प्लांट से जो है वो एक्सट्रैक्टेड जो है वो है, केनिया से जो है वो इम्पोर्ट होता है और उसका प्रयोग होता है और उससे एडल्ट डेंसिटी जो है वो कम हो जाता है। लेकिन इसका हम इस इंडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक हमारे पास केमिकल है जो एडल्टिसाइड के लिए अवेलेबल है। इसको हम इंडिस्क्रिमिनेटली यूज करेंगे तो इनका रेसिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। इसलिए इसको केवल उन स्थिति के लिए कि यदि कहीं पर क्लस्टरिंग ऑफ केसेस है, बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं किस कॉलोनी में एडल्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ एक तरीके से उन तरीकों में भी जो है वो ये टाइमिंग्स होते हैं, उसी टाइम होना चाहिए जब एडल्ट एडिंग मॉस्किटो एक्टिव होता है, वो या तो मॉर्निंग आवर्स में एक्टिव होता है या डॉन या डस्क जो है वो कहा जाता है कि मोटे मोटे तौर पर जो है वो कहा जाए तो 8 से 10 के बीच में और दोपहर में 3 से 5 के बीच में। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है वो 3 बजे मैंने बोला तो वो 2:30 बजे नहीं काटेगा, 2:30 बजे भी जो है वो एक्टिव हो सकता है। लेकिन ये जो है वो कुछ साइंस के हिसाब से एक टाइम पीरियड निकाला गया है एवरेज निकाल करके, उस टाइम फॉगिंग का फायदा रहता है। फॉगिंग के लिए जो है वो एक स्पीड से साइकिल चलनी चाहिए या व्यक्ति चल रहा है तो वो चलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है वो गाड़ी जो है वो दौड़ी जा रही है और पीछे धुआं छोड़ रही है। वो घरों की जो है वो खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए जिससे कि घर के अंदर, क्योंकि ये मच्छर घरों में जो भी आपके जो है वो जगह होती हैं, चाहे वो पर्दा हो चाहे वो टेबल का नीचे वाला हिस्सा हो, वहाँ जो है वो रेस्ट करता है और उस टाइम जो है वो एक्टिव होता है तो वो दवा जो है वो पर्याप्त मात्रा में पहुँच जाए। तो फॉगिंग बाई एंड लार्ज जो है वो रिकमेंड नहीं करते हैं, उसके पीछे ये साइंस है कि यदि हम जो है वो उसको यूज करने लगें तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। और जो हमारे पास एक आज की तारीख में हथियार है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आउटब्रेक हो गया है, लार्ज नंबर ऑफ केसेस हो गए हैं, अपसर्ज हो रहा हो, वहाँ पर इसको हम कर सकते हैं, लेकिन वो साइंस के हिसाब से जो है वो करना चाहिए। तो ये कुछ बातें आपके सामने रख करके मुझे मौका दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो है वो चर्चा में पैनल डिस्कशन के समय जैसी भी जो है वो आपकी कोई जिज्ञासा होगी आई विल बी वेरी हैप्पी टू रेस्पॉन्ड टू ऑल द क्वेरीज। धन्यवाद। आप बिल्कुल पूछिएगा, एक बार लेक्चर्स खत्म हो जाए आप क्वेश्चन नोट के रखें। तो थैंक यू सर। तो हमने चौथा पी सीखा कि पनपने नहीं देंगे, प्रिवेंट करेंगे। हमारे अगले स्पीकर हैं डॉक्टर आशुतोष विश्वास और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा समय का ध्यान रखें क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। Transmitted by mosquitoes, dengue fever is a threat to almost half of the world's population. Dengue is a major public health problem, particularly in Latin America and Asia, where outbreaks occur regularly.
मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइवली आप देख ले मॉस्किटो. Once in the body, the virus infects the immune cells in the skin tissue. And enters the lymphatic system. Mainly virus jo hai body ke andar jaake kaise ye infection hota hai ye pathogenesis hai. ये वायरस पहले जैसे सेल के साथ इंटरेक्शन होके मल्टीप्लिकेशन करके 5 दिन तक बुखार होता है. इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये आपका एक वीडियो है. एंड देन स्प्रेड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द इंफेक्टेड पर्सन. मेनली इसमें दिस इज कॉल्ड विरेमिया. ब्लड वेसल्स अफेक्ट फॉर सम पेशेंट्स एस्पेशियली चिल्ड्रन द इंफेक्शन मे कॉज सीवियर फॉर्म्स ऑफ द डिजीज इंक्लूडिंग डेंगू हेमरेजिक फीवर. The blood vessels become permeable, resulting in plasma leakage. Ultimately, dengue hemorrhagic fever requires intensive hospital care. When a mosquito... मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे लिए डेंगू के बारे में बोलने के लिए क्या बचा हुआ है, क्योंकि इतना मीडिया न्यूज़पेपर मीटिंग कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं. आपको शायद प्राइमरी थिंग्स जितने भी ज़रूरत है सब पता है, बट इसमें मैं कुछ जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा वो हाईलाइट करूँगा. क्लिनिकल एस्पेक्ट हॉस्पिटल में जैसे ये फास्ट 1789 डेंगी बेंजामिन रश ही कॉइंड दिस डायग्नोसिस एज ए डेंगी फीवर. आफ्टर दैट मॉस्किटो सी द टाइगर इज सीटिंग ऑन स्नेक. जो एडिस मॉस्किटो इज नोन एज टाइगर मॉस्किटो जैसे डॉक्टर धारीवाल ने बताया, और सांप को भी नहीं छोड़ रहा है. तो आप देखिए ये मैं 4-5 साल का डाटा जो है हमारे हॉस्पिटल का डाटा एडमिटेड केसेस है. इसमें आप देख रहे हैं कि मोर्टालिटी रेट 7% 10% 8% जब हॉस्पिटल में एडमिशन पेशेंट हो रहे हैं डेंगू में इन्फेक्शन होके पीड़ित होके जो आते हैं, तो 10 में से करीब एक लोग जो है उनका डेथ हो रहा है. इसमें जनरल पॉपुलेशन में जो है करीब 0.3% डेथ है. दैट मीन 300-400 लोगों में एक पेशेंट का डेथ होता है, तो बहुत ही कम है. इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि पैनिक हो जाओ, तो इतनी मोर्टालिटी इतनी कम है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डेंगू होते ही जहाँ में सीरियस हो जाते हैं डॉक्टर के पास भागते हैं, पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं कि क्या हो गया अभी क्या करें. तो ऐसी बात नहीं है. डेथ मोर्टेलिटी इज वेरी वेरी लेस. दैट टू एंश्योर दैट नथिंग टू बी पैनिक हियर. एंड रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट विदाउट दिस डिस्कसिंग अबाउट द पपाया एंड लीव्स और द मैनेजमेंट इज इनकम्प्लीट आई थिंक टू डिस्कस अबाउट. सो इसमें जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है हमारे पास कि ये पपिया का ना लीफ इंक्रीज द प्लेटलेट काउंट. हम एक्चुअली इस बीमारी में प्लेटलेट के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि 10,000 तक सेफली हम वेट कर सकते हैं अगर पेशेंट ब्लीडिंग नहीं हो रहा है. पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं है तो प्लेटलेट के ट्रांसफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्लेटलेट बढ़ा के भी आपको कोई इम्पोर्टेंट कोई मोर्टालिटी इम्प्रूव नहीं होगा. जो पेशेंट सीवियर में नहीं जाएगा ऐसे भी नहीं है. पेशेंट शुड बी ऑलवेज बी टेकन केयर ऑफ बाई समथिंग एल्स. वो चीज़ें हैं जो वैस्कुलोपैथी एंड कोगुलोपैथी. वैस्कुलोपैथी मीन्स वेसल्स इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें वेसल्स डैमेज होते हैं और कोगुलेशन प्रोफाइल डैमेज होता है. थर्ड थिंग जो है मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है. मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट क्योंकि जब बॉडी में पानी का मात्रा कम हो जाए, क्योंकि ये डेंगू इज ए कैपिलरी लीकिंग सिंड्रोम डिजीज. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट नॉट द प्लेटलेट. जब प्लेटलेट कम हो गया
प्लेटलेट कम क्यों होता है? प्लेटलेट में प्लेटलेट का कारण है देयर इज एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी जो इन्फेक्शन जो वायरस से बनता है, और इसमें और भी सारे कारण है। ऑर्गन में जब डिफेक्टिव प्लेटलेट होता है ऑर्गन विल डिस्ट्रॉय द प्लेटलेट, एडियरेंस हो जाता है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स एंड ऑल्सो बोन मैरो सप्रेशन होता है, चार पाँच दिन में देर इज ए बोन मैरो सप्रेशन, इसीलिए प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो मेरे को ऐसे कोई मॉलिक्यूल दिख नहीं रहा है कि इसके अंदर पपीता के अंदर पत्ते के अंदर और बकरी का दूध के अंदर कि वो जो बढ़ा सके क्योंकि डिस्ट्रॉय प्रिवेंशन कर सके। तो इसमें लोगों का वो ध्यान हट जाना चाहिए और इसके पीछे ना भागे। और ट्रीटमेंट है मेनली हाइड्रेशन, जैसे अभी प्रोफेसर मिश्र ने बताया, डॉक्टर शर्मा ने बताया एवं डॉक्टर धारीवाल ने बताया कि इसमें हाइड्रेशन में ध्यान देना चाहिए। तो हाइड्रेशन इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्योंकि ये कैपिलरी लीकेज है। क्रिटिकल फेज में देखा गया 3 दिन के बाद, फर्स्ट 3 डेज ये फेब्रुअरी फेज, 3 दिन के बाद क्रिटिकल फेज, उसके 3 दिन के बाद रिकवरी फेज है। सबसे क्रिटिकल फेज और 3 दिन उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, और अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब पानी ब्लड सर्कुलेशन से थर्ड स्पेस में जा रहा है। सो अगर सर्कुलेटरी फेल्योर है तो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें प्रिवेंट करना है डैमेज ना हो, तो उस स्टेज में दैट क्रिटिकल स्टेज में हमें हाइड्रेशन, आईवी फ्लूइड और ओरल थेरेपी हाइड्रोथेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार डैमेज अगर शुरू हो जाता है ऑर्गन डैमेज तो उससे बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, रिकवरी होना मुश्किल है। सो फ्रूट जूस और लिक्विड ये मेन इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो बॉडी में हर ऑर्गन ऑलमोस्ट इन्फेक्टेड है, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि GI सिम्टम्स जो पेन एब्डोमेन, वोमिटिंग और समटाइम्स लूज मोशन, ये अगर है किसी को तो हम उसको वार्निंग साइन बोलते हैं। तो वार्निंग साइन और भी है, जैसे हेडेक, सीवियर हेडेक होना, हाई ग्रेड फीवर होना और हीमोकॉन्सेंट्रेशन जो हम ब्लड टेस्ट करके देखते हैं जो उसमें कितना पानी का मात्रा लीक हुआ है। अगर लीक हो गया तो हाइपोटेंशन हो जाता है जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, तो वो भी ध्यान देना जरूरी होता है। तो इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट भी होता है, कार्डियक फेल्यूर भी देखा गया है, कार्डियक मायोकार्डाइटिस भी देखा गया है कि इसमें होता है, ब्रेन इनकेफेलोपैथी इनकेफेलाइटिस भी देखा गया है लाइक जापानीज। तो और भी लिवर फेल्यूर, लिवर ट्रांसमेनाइटिस, जो लिवर जो डैमेज वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। तो इमिडिएटली अगर कुछ डेंजर साइन सिम्टम्स मिले डॉक्टर के पास तुरंत संपर्क करें, हॉस्पिटल में जाए, बायोकेमिकल टेस्ट कराए ताकि स्टेज पता करने के लिए पेशेंट माइल्ड में, मॉडरेट में या सीवियर है। और एक मैं बात बताना चाहूँगा कि इसमें अगर किसी को डेंगू होता है तो एक तो सिंपल डेंगू और एक मॉडरेट डेंगू जो सीवियर हो सकता है एक ग्रुप में, जिसको हम कोमॉर्बिड हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं, वो हाइपरटेंशन, डायबिटिक और जो पेशेंट जो जिनमें बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हैं जैसे ब्रोंकियल एस्थमा, COPD, तो कोमॉर्बिड इलनेस, इवन प्रेगनेंसी। तो ऐसे 8-10 जो कोमॉर्बिड इलनेस अगर है किसी को, CAD है, पेशेंट ऑन और एंटीप्लेटलेट ड्रग, इमीडिएटली वो मेडिसिन बंद कर देना चाहिए। और हाइपरटेंसिव पेशेंट वो भी ध्यान से रहे कि उनका भी कॉम्प्लिकेशन देखा गया कि ज़्यादा होता है उन लोगों में। तो ये जो कोमॉर्बिड इलनेस है, ये पेशेंट जब डेंगू हो जाए इन लोगों को तो सीवियर होने का चांसेस, कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस जो खतरा वो बढ़ जाता है। तो इसमें और इसमें सारे जो आप देखिए जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है, रैश इम्पोर्टेंट होता है, हाई ग्रेड फीवर रैश, और जो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट सिम्टम्स पेन एब्डोमेन, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, और खास करके जो बॉडी पेन है जिसको हड्डी तोड़ बीमारी बोलता है, तो वो एक है ब्रेक बोन फीवर, डेंगू का दूसरा नाम है ब्रेक बोन फीवर, वो सीवियर पेन होता है। तो ये सारे जो है वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, ये भी एक मॉडरेट ग्रुप में माना जाता है। तो डेंगू को जैसे 3 क्लासिफिकेशन में हमने डिवाइड किया, एक माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो इसी हिसाब से इमीडिएटली जो ट्रीटमेंट करना चाहिए कि इसमें ये माइल्ड डेंगू है, मॉडरेट डेंगू है और ये सीवियर डेंगू है, ये क्राइटेरिया है ABCD एंड ऑल। सो डॉक्टर इसी हिसाब से बायोकेमिकल क्राइटेरिया, क्लिनिकल क्राइटेरिया से डिसाइड करते हैं कि कैसे होता है। सो ये माइल्ड डेंगू
जो सिम्टम्स है मॉडरेट डेंगी और मॉडरेट डेंगी जो वार्निंग साइंस के साथ और ये सीवियर डेंगी, इसमें सिम्टम्स जब सीवियर मिलता है तो उसमें इमीडिएटली हॉस्पिटल और डॉक्टर का हेल्प लेना चाहिए। हॉस्पिटल में जो भी ट्रीटमेंट, और लोग बोलते कि डेंगू का ट्रीटमेंट नहीं है, ये गलत बात है। डेंगू का वायरस का ट्रीटमेंट नहीं है, बट जब ट्रीटमेंट जब इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट डेफिनेटली उसका जो कॉम्प्लिकेशन है, जो साइट जो इम्यून स्टॉर्म होता है, ये साइटोकाइन सुनामी डिजीज इसको बोलते हैं, साइटोकाइन जिससे लोग सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। 5 दिन के अंदर तो वायरस तो चला जाता है, बट 5 दिन के बाद ही कॉम्प्लिकेशन होता है ड्यू टू डिफरेंट रिलीज ऑफ डिफरेंट साइटोकाइंस एंड केमोकाइन। दोस आर द कल्प्रिट, दोस आर द कॉज फॉर द डेथ। सो इसलिए वो मॉलिक्यूलर लेवल पे मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन एंड द फिजिकल एंड केमिकल लेवल पे एग्जाम करके, जहाँ उनमें कॉन्सेंट्रेशन एंड अदर कॉगुलेशन प्रोफाइल वो सब देख के हम तैयार करते हैं कि इस पेशेंट को कैसे आगे बढ़ाए, आगे पर्टिकुलरली जो स्पेसिफिक मैनेजमेंट हो वो दे। थैंक यू वेरी मच। भाइयों और बहनों, मैं आपको अगले 5 मिनट में बच्चों में डेंगू बुखार के क्या लक्षण होते हैं, क्या निदान है, इलाज कैसे होता है और कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। आम प्रश्न होता है जब आप डेंगू के बारे में सोचते हैं तो क्या डेंगू बुखार किसी बच्चे में सीरियस होने का क्या कारण है। ज़्यादातर बच्चे तो हम कह रहे हैं ठीक हो जाते हैं, क्यों किसी किसी में सीरियस हो जाता है। डेंगू बुखार के लक्षण क्या होते हैं, क्या बड़े आदमी के लक्षण से अलग है, बच्चों में अधिक सीरियस क्यों होता है, बच्चों में डेंगू का इलाज कैसे होता है और डेंगू से कैसे बचा जा सकता है बच्चों को, इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये है कि डेंगू बुखार सीरियस होने की मुख्य 2 बातें होती है, जैसे पहले भी बताया, कैपिलरी लीक या सिंपल भाषा में कह सकते हैं खून की नलियों से पानी का रिसाव, मतलब ब्लड अंदर रह जाता है लेकिन उसका लिक्विड पोर्शन है वो बाहर निकल जाता है और उसके कारण से ब्लड प्रेशर की कमी हो जाती है। और दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम है वो है शरीर के किसी भी हिस्से में खून बह सकता है। तो ये 2 चीज़ें हुई। तो पहले हम ये देखते हैं बॉडी का सर्कुलेशन ऐसा होता है और इसमें यदि हम देखें क्या होगा, ये जैसे खून की नलियां हैं और उसमें से पानी बाहर निकल रहा है, जैसे ये खून की नलियां हैं, ये रेखांकित रूप से सारे अंगों में जा रही है, लंग्स में जा रही है, कैपिलरी का इसमें लीवर में जा रही है, लंग्स में जा रही है, ब्रेन में जा रही है, और इसमें से यदि ये लीक करने लग जाएगा, पानी निकल गया तो ये बाहर आ गया। बाहर आने के बाद क्या होगा कि ये जो हमारा ब्लड चल रहा है जिन खून की नलियों में उसमें सिकुड़ गया है और खून गाढ़ा हो गया है, उसके कारण क्या होगा, खून की नली से रिसाव हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, और जिससे हर अंग का दौरा, जैसे आपने देखा इसमें हर अंग में दौरा कम हो गया खून का और उसके कारण से खून थोड़ा कंसेंट्रेट हो गया या गाढ़ा हो गया, उसी को हम हिमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम देखते हैं, बार बार जांच करते हैं कि कितना गाढ़ा हो गया है और कितने पानी की आवश्यकता है। इससे लीवर, किडनी, हार्ट, दिमाग आदि में काम में बाधा आने लगती है। खून की नली से पानी के रिसाव रोकने का इलाज अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि यदि यही तकलीफ है कि हम उसको रोक दें तो बीमारी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, सीरियस नहीं होगी, तो उसका हमारे पास इलाज नहीं है। तो आज के दिन हम क्या कर सकते हैं, बाहर से पानी, या तो हम यदि कुछ खा पी नहीं रहा है बच्चा तो उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं, और उसका हमें कैसे ज्ञान होता है कि कितना कंसेंट्रेट हो गया, कितना हीमेटोक्रिट है, कितना उसका पैक सेल वॉल्यूम है, उसके हिसाब से हम बार बार टाइट्रेट करते हैं कि कितना पानी चढ़ाना है। और यदि बच्चा पानी ले रहा है मुंह से, जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि एक डॉक्टर साहब के बच्चे को तकलीफ थी तो हमने बस उसको देख के, क्लिनिकली देख के और उसको पानी पिलाने की चेष्टा करी और उससे उसको ये स्थिति आई नहीं कि उसका ब्लड प्रेशर कम हो। दूसरा, शरीर के विभिन्न अंगों में खून बहने के कारण, तो खून बहने का कारण एक होता है खून की नलियाँ कमजोर हो गई, वो फ्रेजाइल हो गई, जरा सा भी झटका लगेगा वो फट जाएगी और उसमें से खून बहना लग जाएगा। दूसरा होता है प्लेटलेट की कमी, और जैसे बताया प्लेटलेट या तो कम बन रही है या फिर वो जितने दिन तक जिंदा रहनी चाहिए उसकी समयावधि, मतलब उसका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा। और तीसरा है कि उसके वो काम भी ठीक नहीं कर रही हो। और चौथा काम है खून का जो कोएगुलोपैथी का मतलब है कि हमें जब भी कभी चोट लगती है तो खून जम जाता है और खून बहना बंद हो जाता है, तो वो जमने वाली जो स्थिति है, जो जमने वाली मैकेनिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है सीवियर डेंगू में, सब में नहीं होती है। तो खून बहने के आपने देखा अलग अलग कारण है, खाली एक प्लेटलेट नहीं है। अतः
प्लेटलेट की कमी अकेली खून नहीं बहने देती है, प्लेटलेट चढ़ाने या न चढ़ाने से ठीक होने में प्रतिशत में कोई फर्क नहीं देखा गया। जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हमारे तजुर्बे से 1996 का जो एपिडेमिक था, जो महामारी थी, उसमें बच्चों में भी रिसर्च चली, बड़े आदमियों में भी चली, और उसमें ये देखा गया कि जिनके प्लेटलेट 20,000 से कम थे, जिनको खून चढ़ा और कुछ को नहीं चढ़ा, उसमें आउटकम में, उनके सर्वाइवल में, उनके अस्पताल में रहने के समय में कोई फर्क नहीं था। इसलिए खाली प्लेटलेट चढ़ाने से बीमारी का आउटकम बदल जाएगा, ये ठीक नहीं है। और हर बच्चे को या हर बड़े आदमी को जिसका प्लेटलेट का कमी है, उसको चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आता है बच्चों में डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। अचानक से बुखार तेज होना, जैसे बच्चा 1-2 बजे तक ठीक था, 4 बजे देखा एकदम से 104 बुखार हो गया, हाथ पैर सर पेट में दर्द होने लग गया, उल्टी की इच्छा, उल्टी होना, नौजिया और वोमिटिंग होना, शरीर पे लाल रंग के दाने निकलना, सुस्त, या तो बच्चा एकदम सुस्त हो जाएगा या बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा। वो सजेस्ट करता है कि उसका ब्लड प्रेशर अब कम हो रहा है, खाना नहीं खाना चाहेगा, पानी नहीं पीना चाहेगा। किसी किसी बच्चे के गले में दर्द हो जाएगा, बड़ा बच्चा है वो बता पाएगा 6-7 साल का कि उसको गले में दर्द हो रहा है, और किसी किसी के पानी की कमी हो जाएगी यदि पानी नहीं पिलाएंगे, और कभी कभी पतले दस्त भी लग सकते हैं। डेंगू के 3 फेज जैसे डॉक्टर आशुतोष ने बताया, पहला है बुखार का फेज, वो 2 से 5 दिन चलता है, 5 दिन बाद उतर जाता है। किसी किसी में जैसे 100 में से 1-2 बच्चा या बड़ा आदमी क्रिटिकल फेज में जाएगा, बाकी सारे उसमें से रिकवर कर जाएंगे। क्रिटिकल फेज में जो पानी का रिसाव और खून बहना वो नहीं होगा, खाली बहुत ही कम व्यक्तियों में, 100 में से 1-2 बच्चों में या बड़े आदमियों में होगा, वो क्रिटिकल फेज होती है और वो 24 से 48 घंटे तक चलती है। यदि उस समय हम उसका ठीक ढंग से ध्यान रख लें तो मरीज एकदम से ठीक हो जाता है, और रिकवरी फेज है उसमें थोड़ा समय लग जाता है, 2 से 10 दिन। क्या बच्चों में डेंगू सीरियस होता है? तो बच्चों की खून की नालियों में पानी का रिसाव होने से बच्चों का ब्लड प्रेशर जल्दी एवं ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि जो रिसाव होने से बच्चों का ब्लड प्रेशर में बच्चों में कैपेसिटी नहीं होती है। जैसे बड़े आदमी में यदि 0.5 लीटर पानी निकल गया फिर भी उसकी कैपेसिटी होती है, वो टॉलरेट कर लेता है और चल जाता है उसका काम। बच्चे में यदि 0.5 लीटर निकल गया तो निढाल हो गया और एकदम सीरियस हो गया, फिर दूसरा वो पानी वानी नहीं पीता है बराबर, बड़े आदमी की तरह हम नहीं समझा सकते, बच्चे तो बच्चे हैं, तो उसके उस कारण से उनमें ये बीमारी सीरियस होती है, और दूसरी उनकी इम्यूनिटी कम होती है उसके कारण से। तो इलाज कैसे होता है? सबसे पहले डॉक्टर देखता है कि उसकी कितना सीरियस है, गंभीरता की आकलन करता है कि सीरियसनेस कितनी है। सिर्फ डेंगू बुखार है तो पानी, खूब पानी पिलाएं, बुखार में खाली पैरासीटामोल की दवाई दें, दूसरे जो पेन किलर्स है आइबुप्रोफेन मेफेनिमिक एसिड वो नहीं दें। हो सकता है पैरासीटामोल से बुखार एकदम नॉर्मल नहीं आए, लेकिन उसके लिए घबराएं नहीं। और जो भी दूसरा है जिसमें भी सीरियस बीमारी है, उल्टियां हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खून बह रहा है, कुछ भी खा पी नहीं रहा है, बच्चा बहुत सुस्त हो गया है, या खून की जांच में खून गाढ़ा हो रहा है, प्लेटलेट की कमी हो रही है, तो उसको अस्पताल में भर्ती करवाएं। और उसके बाद बचाया कैसे जा सकता है, मच्छर से बचाएं, किस तरह से नहीं काटे, लेकिन मच्छर तो यूनिफॉर्म है, सबको काटेगा, बच्चा हो चाहे बड़ा हो। घर के अंदर एवं बाहर पानी इकट्ठा नहीं होने दें, बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं जिससे उसके हाथ पैर ढके हुए रहें, बुखार होने पे खूब पानी पिलाएं, पैरासीटामोल की दवाई दें, और उनमें से कोई भी दिक्कत हो, उल्टियां हो, पेट में दर्द हो, खून बहता हो, हाथ पैर ठंडे लगते हो, सांस में तकलीफ, तो उसे तुरंत अस्पताल लेके जाएं। अब लास्ट में हमें अब आज लग रहा है कि डेंगू हमारा शत्रु है, और हम सब जानते हैं कि डेंगू निर्भर है मच्छर के ऊपर, और मच्छर की कमजोर नब क्या है? पानी। यदि हम उसको पानी उपलब्ध नहीं होने देंगे तो हम इस जंग को जीत जाएंगे। अतः हमें हमारा शत्रु मालूम है, उसकी कमजोर नब्ज भी मालूम है, तो हम इसके ऊपर विजय पा सकते हैं। धन्यवाद। प्रिवेंशन के एस्पेक्ट में इनवाइट करूंगा डॉक्टर अनिल गोस्वामी, जो अगले 5 मिनट में हमें किस तरीके से इस बीमारी से बच सकते हैं उसके बारे में समझाएंगे। नमस्कार। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत है, बड़ी सदियों से चलती आ रही है, आप सब जानते हैं, लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। ये बात नहीं है कि ज्ञान सबको नहीं है, थोड़ा या ज्यादा पता सबको है, लेकिन अमल करने में कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठते हैं। तो जो ये प्रिवेंशन है तो मच्छर से बचने का, ये 2 तरीकों से है। एक तो कि हम मच्छरों को
मच्छरों का प्रजनन ही ना होने थे, जैसा कि सब लोगों ने बताया मेरे से पहले प्रवक्ताओं ने, कि पानी हमें कहीं पे भी नहीं रहने देना चाहिए। और दूसरा है कि मच्छर के डंक से हम कैसे अपने आप को बचाएं। आमतौर पे सबको मालूम है, पर फिर भी बात आती है कि अपने आप कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि कहीं भी घर व घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। इसमें आप खुद अपने घर को भी देखना है और कई बार थोड़ा सा आस पड़ोस में भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। यदि आपका पड़ोसी समझदार नहीं है तो थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो कई बार पड़ोसी की गलतियां भी हमें मुसीबत में डाल बैठती हैं। घर के आसपास की नालियां सोचते हैं कि भाई एमसीडी वाले आएंगे वो साफ करेंगे, पर कई बार वो नहीं साफ करते, तो कम से कम उनके कान खींचना या उनको बताना या उनके ऊपर जो थोड़ा सा हक जताना हमारा फर्ज बनता है। कूलर की बात यदि करें तो हवा सबको अच्छी लगती है, पर ये हम भूल जाते हैं कि भाई हफ्ते में हमने उसकी की भी केयर करनी है। जिस कूलर ने हमें पूरी हफ्ते हमें हवा खिलाई, परेशानी से दूर रखा, एक 20 मिनट के लिए हमें उसको भी समय देना है। ये आमतौर पर लोग भूल जाते हैं, और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि संडे के दिन कम से कम 20 मिनट कूलर के लिए जरूर रखें और उसको एक ड्राई डे के रूप में मनाएं। बाकी कई बार मैंने पहले भी बोला है, दारू का कोई ड्राई डे आ रहा है तो वो सबको याद रहता है, उसका इंतजाम पहले कर लेते हैं, लेकिन ये वाला जो ड्राई डे है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। फिर आमतौर पर हमारे लोगों में कहावत होती है, ओह कुछ नहीं होता, ये बहुत ही गलत एक आदत है। तो हमेशा हमें कूलर को अच्छी तरह पानी निकालना चाहिए, उसको रगड़ना चाहिए, कहीं पे भी उसकी जो कूलर की जो शीट है, लोहे की चद्दर है, कहीं पे अंडा नहीं रुकना चाहिए, सारा उसको साफ करके और उसको आधे घंटे तक सूखने दीजिए। ये नहीं है कि जल्दबाजी के चक्कर में फौरन उसमें पानी डाल दो, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं अंडे रह जाते हैं और वही फिर हमें परेशान करते हैं। कई लोग घरों में मनी प्लांट लगाते हैं, जी क्या बात है, मनी प्लांट ग्रो होगा, पैसा आएगा, खुशहाली बढ़ेगी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भी उसको साफ भी करना था और उसमें मच्छर पैदा होगा और जितना भी पैसा फिर आपने शायद इकट्ठा किया हुआ है वो मच्छर ही वो सारा पैसा जो है बहा के ले जाएगा। एक बात और देखी गई है कि जो हमारा फ्रिज होता है, मजा लेना सारा भोगने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो कोई भी इंसान जो है खता खा सकता है। ये सारी चीजें हैं, सबको पता है कि भाई घर के आसपास कोई भी या खास तौर पे छतों में, हमारे हिंदुस्तानियों की एक बड़ी अच्छी या बुरी क्या आदत है आप खुद ही समझ लो, डिब्बा आया खाली किया, चीज इस्तेमाल की, छत पर फेंक दो, कभी काम आ जाएगा। नारियल खा लिया, खोखा फेंक दिया, कभी जलाने के काम आ जाएगा। कोई ध्यान नहीं देते छत पे क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। इंद्र देवता आए, उन्होंने अपना काम किया, पानी इकट्ठा हो गया, मच्छर को घर बसा के दे दिया, आओ जी फलो फूलो और फिर हमारा खून चूसो। सही बात है गलत बात है? वेरी गुड। तो ये सब चीजें जो है इनको ध्यान रखने की जरूरत है, इन पे अमल करने की जरूरत है। सिर्फ यही नहीं, हाँ हमें पता तो सब है, हमें करने के लिए कुछ मत बोलो, ये बहुत गलत चीज है। तो जितनी भी ये चीजें हैं, और खास तौर पे हमारे दिल्ली में तो बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है, आपको पता नहीं चलता कब बंदर जो है उसमें पानी पी गया, कब वो नहा गया, कब वो ढक्कन खोल गया। जी हाँ जी, इसी उम्मीद में जीते हैं कि सब भला है, सब चंगा है, सब ठीक है, वो भी चेक करना चाहिए। आसपास की सब चीजों को साफ रखना चाहिए। कहीं पे मैंने ये देखा है, हमारे जो अच्छे अच्छे आसपास के इलाके हैं, सब इलाकों में देखा है, चाहे वो पॉश कॉलोनी है, चाहे वो गरीबों का कोई इलाका है, घास उगी है तो उगी रहेगी, कोई उसको ये नहीं कहेगा कि अथॉरिटीज को जाके बोले भैया इसको काट दो। आप कई जगह देख सकते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो उस जगह पे पानी जब इकट्ठा होता है, हमें नहीं पता वो खड्डा था, वो खड्डा है घास के बीच में, कितना पानी इकट्ठा हुआ हुआ है, मच्छर को कितनी जगह मिली हुई है, तो यदि घास कटी हुई होगी तो कम से कम हम जगह का पता चलता है कि पानी है, मच्छर है, और हम उसके बारे में कुछ समाधान कर सकते हैं। आजकल जो है एक और चीज आ गई है, जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, हमें फायदा तो पहुंचाया है पर साथ साथ नुकसान भी हमें दिया है। पहले जब कूलर नहीं होता था, पंखा होता था, जलते रहते थे, मच्छर पास ही नहीं आता था, ठीक है ना। कूलर आ गया, मजा लेना तो सबने सीख लिया, पर सफाई करना उसका ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही आजकल प्लास्टिक के गमले आ गए हैं मिट्टी की बजाय। अब प्लास्टिक के गमलों में पानी इतनी जल्दी से नहीं सूखता,
जो मिट्टी का गमला होता है मट्टी से पका हुआ, वो पानी फिर भी सोख लेता है। बहुत बार अब हमारे आयुर्विज्ञान नगर में, हमारे और कैंपसेस में हमने घूम घूम के देखा है, हमारे स्टाफ ने, सैनिटेशन ने, जी प्लास्टिक के गमलों में पानी बहुत दिन तक खड़ा रहता है और वहीं पे हमें ब्रीडिंग मिलती है। तो इस तरह के जो चीजें हैं, सोच समझ के खरीदें और उनका इस्तेमाल करें, और यदि उसमें पानी खड़ा है तो उसको जरूर साफ करें। कई बार हमारी रीसेटलमेंट कॉलोनी है, 50 से ज्यादा दिल्ली में कॉलोनी है, उनमें इतनी जगह ही नहीं है कि हम नीचे कूलर खड़ा कर सकें, लोगों ने इतनी साइड से ऊपर लगा दिया है ताकि नीचे से निकल भी सके। एक बार लगा दिया सीजन में और जब सीजन खत्म हुआ तब उसको उतारेंगे, नीचे से टूटी का कनेक्शन दे दिया, खोल दिया, बंद कर दिया, उसमें ये ध्यान नहीं रखते कि ब्रीडिंग हो रही है। तो ऐसे कूलरों में जिनका हम हर हफ्ते पानी साफ नहीं कर सकते, ऐसे कूलरों में कम से कम 30 ml के करीब जो है हमें पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालना चाहिए। जैसे डॉक्टर धारीवाल जी ने बताया कि उसके ऊपर तेल की सतह जम जाती है और वो जो लार्वा है वो सांस नहीं ले पाता और वहीं का वहीं मर जाता है। यदि टेमीफोस की दवाई डलती है, कॉरपोरेशन वाले आ रहे हैं तो उनसे वो दवाई जरूर डलवाएं, और नहीं तो कम से कम मिट्टी का तेल या पेट्रोल उसमें जरूर डालें। ये थोड़ा सा 30 ml जो है करीब 3 चम्मच में होता है, 2 चम्मच में नहीं। कई बार जो है हम एंटी लार्वा जो है बायोलॉजिकल तरीके से भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे तालाब होते हैं, ऐसे पौंड होते हैं, आर्टिफिशियल पौंड होते हैं, जैसे आप बैंक्वेट हॉल वगैरह में कई बार जाते हो तो वहां पे दो तरह की मछलियां होती हैं, गंबूशिया और लैबिस्टर। यदि इसको हम डाल देते हैं तो जो लार्वा को काफी कंट्रोल करने में ये सहायक है और वो उनको खा जाती है और जो मच्छर जो है पनप नहीं पाता है। तो इस चीज में, इस चीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और आप अपनी जो है अथॉरिटी से, लोकल बॉडी से ऐसी मच्छियों को प्राप्त कर सकते हैं। रेजिडुअल एंटी एडल्ट मेजर्स, रेजिडुअल स्प्रे या स्प्रे स्प्रे, दो चीज आपको यहां बताना चाहूंगा। देखिए, एक इंडोर रेजिडुअल स्प्रे होता है, उसका मतलब यह है कि उस दवाई को हमने दीवारों पर छिड़काव करवाना है और छत पे भी कराते हैं हम, तो वो जब दवाई हमने अच्छी तरह छिड़कवा दी है तो 2 से 2.5 महीने तक आपको कोई भी और इंतजाम करने की जरूरत नहीं है जो एज फार एज दीवारें कंसर्न्ड है, ठीक है जी। लेकिन वो कहते हैं, जब वो आते हैं तो उन्हें कहते हैं जी नीचे नीचे कर दो, हमारी दीवारों पे दाग ना लग जाए, हमारी सफेदी ना खराब हो जाए, हमारा पेंट ना खराब हो जाए, जो कि बदल। अरे भाई, आपने अपनी सेहत देखनी है या दीवारों की सुंदरता देखनी है तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो होगी दीवारों की बात। उसके बाद जो अंदर का स्पेस है उसमें भी हम स्प्रे करते हैं, जैसे आप कई बार हिट करते हैं, फिनिट करते हैं, ये चीजें है ना, तो उसमें भी हमारे लोग जो है आपके घरों में जाते हैं, खासतौर पे मैं कैंपस की बात कर रहा हूं, तो उसमें हम स्पेस को स्प्रे कराते हैं और वो हफ्ते हफ्ते भी हम करा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बात क्या होती है, पर्दे के पीछे, किताबों के पीछे मच्छर छुपा रहता है, वो जरूर नहीं है वो दीवारों पर बैठेगा। जो मच्छर दीवारों पे बैठेगा और दीवारों पे दवाई छिड़की हुई है वो उससे जो है उसका काम कल्याण हो जाएगा, उसका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है ना। जो दीवारों पे बैठा ही नहीं मच्छर, बहुत सारी और गलती जगह होती है, टेबल के नीचे है, शू रैक्स होते हैं, तो वहां पे भी मच्छर जाके बैठ जाता है, तो उसका जो है IRS जो दीवारों पे हमने स्प्रे किया हुआ है उससे फायदा नहीं मिलता ऐसी हालात में, तो वहां पे भी कराना जरूरी है। बहुत बार ऐसे भी देखा गया है कि जब कोई स्प्रे करने वाले आते हैं उनको पहले ही मना कर देते हैं, नहीं नहीं जी, नहीं नहीं, हमारे घर में हमने अपने आप इंतजाम कर रखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये देखिए, ये दीवार के ऊपर स्प्रे हो रहा है जो कि 2-2.5 महीने के लिए काफी कारगर होता है। कपड़ों की बात करें, पर्सनल प्रोटेक्शन की, तो आजकल फैशन की मार ने इतना मार दिया है, खासतौर पर मैं लेडीज की बात नहीं करूंगा, कोई बुरा ना मान जाए, ठीक है ना। बच्चों के लिए ऐसे ऐसे मोटे मोटे कपड़े पहना देंगे, हाथ आधी बाजू के पहना देंगे, निक्कर पहना देंगे, बीच बाद में पार्कों में खेलने के लिए भी भेज देंगे, और वही उसमें मच्छर के एक्टिव होने का समय होता है, तो मच्छर काटता है और फिर हमें समस्या पैदा हो जाती है। तो पतले पतले कपड़े आते हैं, जैसे वो लखनऊ में एक कपड़ा, क्या मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो कपड़ा चलता है लखनऊ के कुर्ते वगैरह होते हैं, हाँ चिकन, तो उसके पतले पतले कपड़े उनको पहनाओ, पजामा पहनाओ, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन सोच में थोड़ा सा बदलाव आने की जरूरत है। जहां तक बात रही कि दरवाजे की और खिड़कियों पे जाली लगाने की, बहुत कम लोग लगाते हैं, एम्स की बात छोड़ दो, आम आदमी नहीं लगाता, लेकिन जब बीमार होता है 10,000 रुपए वैसे खर्च कर लेगा, उसको वैसे कह दो 3,000-2,000 रुपए में जाली लग जाएगी पूरे दरवाजों पर,
वो करने में अपने आप को समझते हैं कि भाई नहीं बेकार का खर्चा आ रहा है, तो वो खर्चा जरूरी कराना चाहिए ताकि अंदर जो है मच्छर को आने में सहायता ना मिले। और एक जो है कि हम बहुत बार बोलते हैं कि जो भी रेपेलेंट्स हैं, जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट्स है, गुड नाइट नाइट क्रीम वगैरह, या कॉयल्स हैं, कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती, या और भी कई क्रीम्स वगैरह आती हैं, तो ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल कर लेना चाहिए जब हमें ज़्यादा खतरा है। एक बात बताना चाहूँगा, यदि किसी इंसान को एक बार डेंगू हो चुका है, मान लो चार किस्म का वायरस होता है DEN 1, 2, 3, 4, तो मान लो दो से हो गया है तो दो वाले से जिंदगी भर उसको जो है डेंगू नहीं होगा, लेकिन बाकी जो है 1, 3, 4 उससे यदि उसको दोबारा डेंगू हो गया तो वो बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है, भगवान ना करे मैं कहता हूं किसी को ऐसा हो। तो यदि किसी को एक बार हो चुका है तो उनको सारी जो है एहतियात, सारी जो चीजें सुरक्षा की जरूरत है, और मैं तो कहता हूं कि वो हर सोने से पहले ये चेक करे कि मच्छर कहाँ है, पहले उसके पीछे पड़े, बाद में बिस्तर के पीछे पड़े, ठीक है जी। और एक चीज हमने ये भी देखी है कि आजकल जो रैकेट आता है वो बड़ा कारगर है, आप चार्ज पे लगा दो, जहां पे भी मच्छर है उसके ऊपर रख दो, दीवार पे रख दो, तो वो मच्छर जो है मर जाता है। बाकी इससे कोई नुकसान होता है कि नहीं, धारीवाल जी को ज्यादा पता है, डॉक्टर साहब को, मुझे उसके नुकसान की नहीं पता। तो वो जो रैकेट है वो बहुत ही कारगर है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे उत्तम चीज मच्छरदानी, इससे अच्छी मेरी समझ में कोई भी चीज नहीं है, लेकिन लोग नहीं इस्तेमाल करते जी। डंडे लगाने पड़ेंगे, बेडरूम की सुंदरता खराब होगी, झंझट झंझट पड़ता है लगाने में, लेकिन सबसे सुरक्षित यही है। और खासतौर पर हम कहते हैं जब भी कोई डेंगू का मरीज बन जाता है तो उसको 5-6 दिन इसके अंदर जरूर रखें ताकि उसको मच्छर ना काटे और वो इन्फेक्टिव होके फिर दूसरे इंसान को ना काटे, तो ये सावधानी भी रखना बहुत जरूरी है। और आप सब जानते हैं कि डेंगू फीवर जो है कैन बी इजिली प्रिवेंटेड, बड़े आराम से इससे आप बच सकते हैं, बचा सकते हैं। यदि सारी जनता सही काम करे तो हमारे ये जो बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं जो और बहुत सारी बीमारियों को देख सकते हैं, ठीक है ना, इस बीमारी को अपना समय देने से बचा के दूसरे कामों में लग सकते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है हमारी जो है लापरवाही की निशानी है और लापरवाही की देन है, ये आप सब समझ लें। तो और ये किसी एक की ड्यूटी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि एमसीडी की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, मिनिस्ट्री की ड्यूटी है, ये हम सबका फर्ज है कि हम इसके ऊपर जो है जो जो सावधानियां बरतने की जरूरत है वो सावधानियां बरतें और इस पे जो है कंट्रोल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हम पैनल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। पैनल डिस्कशन में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन डॉक्टर ललित से है कि इसमें डायग्नोसिस में जो एंटीजन और ढेर सारे टेस्ट हो रहे हैं उनकी कितनी ज़रूरत है। दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर संजीव से है कि इमरजेंसी में पेशेंट का मैनेजमेंट हम क्या करना है। और तीसरा क्वेश्चन डॉक्टर पूनम से है कि अगर किसी को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। इस का मॉडरेशन डॉक्टर एस के शर्मा और डॉक्टर एम सी मिश्रा करेंगे। पहला सवाल जो पूछा गया है वो ये है कि इसके लिए क्या क्या टेस्ट अवेलेबल है और उनकी ज़रूरत कितनी है। देखिए, ऐसा है कि डेंगू के लिए टेस्ट अब आजकल बहुत वाइडली अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरीज के इलाज को शुरू करने के लिए इन टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। और वो आपने पहले सुन ही लिया है कि इलाज के लिए आपको चाहिए हिमेटोक्रिट या कभी कभी प्लेटलेट काउंट, तो और उसकी जनरल कंडीशन देखनी है, क्या क्या उसको साइंस एंड सिम्टम्स हैं, उससे इलाज आराम से शुरू हो सकता है। फिर भी अगर टेस्ट की ज़रूरत महसूस होती है डॉक्टर को, वो सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए, और वो इसलिए कि इस सीज़न में, इस बरसात के सीज़न में जिसमें आमतौर पर डेंगू भी होता है और भी बीमारियां होती हैं, मलेरिया भी होता है इस टाइम, और भी लेप्टोस्पायरा बोलते हैं उस तरह की और भी बीमारियां कुछ होती है जिनसे फीवर हो सकता है और उनके सिम्टम्स चिकनगुनिया सिम्टम्स वगैरह ओवरलैप कर सकते हैं, इसलिए टेस्ट डॉक्टर्स कराते हैं। टेस्ट दो प्रकार के हैं, एक तो पहले 4 दिन में बुखार शुरू होने के बाद डेंगू का NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, और दूसरा जो है 5 दिन के बाद तक आप आगे तक करा सकते हैं, वो है डेंगू IgM एंटीबॉडी टेस्ट।
ये दो टेस्ट है और ये दोनों टेस्ट जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें ये हिदायत दी गई है कि ये दोनों टेस्ट एलाइजा नाम के एक मेथड से किए जाए, एलाइजा टेस्ट किया जाए। बहुत सारे रैपिड टेस्ट भी आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं लेबोरेटरीज में, उनकी रिलायबिलिटी इतनी नहीं है, तो ये ध्यान में रखें कि अगर रैपिड टेस्ट हो रहा है तो उसको आइडियली अगर आपको पक्का डायग्नोसिस चाहिए तो एलाइजा से कंफर्म होना चाहिए। तो ये तो रहे टेस्ट जो हम लोग रूटीनली कर सकते हैं मरीज में। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि ये जो टेस्ट है ये जैसे आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट है वो शुरू तो हो जाएगा ऊपर आना एंटीबॉडी 5 दिन के आसपास, लेकिन 5वें दिन पे जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो, कभी कभी 6 दिन 7 दिन 8 दिन तक भी पॉजिटिविटी आने की उम्मीद रहती है। तो अगर 5वें दिन पे नेगेटिव आए तो अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर कई बार रिपीट भी करा सकते हैं उसको 2-3 दिन के बाद, जिससे कि कोई मिस ना हो केस आपका। दूसरा और एक इशू इसमें ये और है कि इसके अलावा कुछ और टेस्ट जो हम लोग हमारे यहाँ पे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अवेलेबल है वो हम लोग करते हैं वायरस को पहचानने के लिए कि कौन सा वायरस आजकल फैला हुआ है, क्या चल रहा है, वो उसके लिए थोड़ी खास किस्म की लैब चाहिए होती है। हम लोग उसको या तो मॉलिकुलर टेस्ट हैं जो अवेलेबल हैं उनसे कर सकते हैं, या फिर टिश्यू कल्चर में, सेल कल्चर में हम लोग वायरस को उगाते हैं, ग्रो करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके लिए थोड़ी स्पेशलाइज टेक्निक्स चाहिए और वो उससे हम लोग बता पाते हैं हर साल कि कौन सा वायरस सर्कुलेशन में है आजकल। और हमने इस साल भी बोला है कि अभी डेंगी टाइप 2 मेन वायरस है, वो पिछले 2 साल से है, लेकिन इस साल मौसम जिस हिसाब से रहा है और भी कई वजह हो सकती है, उस वजह से इस साल हम लोग ज़्यादा केस देख रहे हैं। और उसके अलावा एक डेंगी 4 भी हमको इस साल कुछ मात्रा में मिला है। एक जो हमारे डायरेक्टर साहब ने अभी बोला था शुरू में कि हर मरीज जो यहाँ आता है हर एक को डेंगी नहीं होता है, बुखार के साथ यहाँ पे 600-700 मरीज रोज आ रहे हैं आजकल। अगर हम लोग टेस्ट की बात करें तो जितने अभी टेस्ट हम लोगों ने किए, करीब 2000 टेस्ट किए हैं, उसमें से 700 हर एक को टेस्ट की भी जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये है, उसमें जो 2000 टेस्ट किए उसमें से 700 पॉजिटिव आए हैं। तो अब करीब 35% के करीब 34-35% पॉजिटिव आते हैं, दैट मीन्स बाकी जो मरीज हैं उनके अंदर डेंगी नहीं होता है। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है इस बात का। एक क्वेश्चन, एक प्रश्न था ऑडियंस से, धारीवाल के लिए। थिंक सबसे पहले वही, आप अपने को अपना नाम और ये बताइएगा प्लीज। माइक दीजिए, उनको माइक दीजिए, आप अपने प्रश्न, आप इस तरफ भी आ सकते हैं। My name is Gulkaran Mahajan. I am 85 and a half years old. I am living in a genetic village. I am living with husband and wife. We are only 2 people. So we are not capable of doing every each and everything physical outside. We have to keep out ourselves. I have no son, but my daughters are very well settled, very well off on hiring their husband. So there is no financial need. But sometimes if finance doesn't help, physical help is more important and sometimes it is necessary. So something has been told to me. I want to just clarify. Even if I don't give up yet, anything, it doesn't matter. But I want that as long as I live, they should not be very pain, they should not be any trouble, because there is not much trouble except one of my social friends who is with me, who's helped us. So it is for the older people are growing and growing every day. And Every 2 months,
ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात, अभी बता रहे हैं कि क्या इसका कर सकते हैं। दूसरा सवाल, दो सवाल थे ना आपके, मेरे तीन चार सवाल, तीन चार मत पूछो, आप एक थोड़ा थोड़ा कम कम पूछो, क्योंकि बाकी लोग भी पूछ लें, बहुत ज्यादा मत पूछिए, और थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ रखिए, प्रिसाइज रखिए सवाल अपना। घर में जो है वो बर्तन बर्तन धोने के लिए एक साबुन होता है, वो एक बर्तन में रखा जाता है, और उससे वो जो सर्वेंट्स होते हैं या बर्तन साफ करते हैं, उसमें पानी रह जाता है, उसमें साबुन की टिक्की होती है, वो पानी, आपने कहा तो इसका सलूशन मैंने यही देखा है कि वी शुड ऑल डिस्कार्ड ये पानी की टिकिया और लिक्विड सोप की एक बॉटल आती है वो डालकर रखिए। बिल्कुल ठीक बात है, अब आपके ऊपर के पानी की टैंक का जवाब डॉक्टर धारीवाल देंगे अभी। अच्छा सर, मैं लिख कर एक मिनट, आप उसका जवाब ले लोगे भूल जाएंगे फिर। अच्छा जी ठीक है, तो हीटर से अगर टेंशन है ईवी का डॉक्टर फुल से नहीं नहीं, अब जवाब ले लीजिए आप उसका। अच्छा बोलिए, जो हम लोगों को भी याद नहीं रहेगा वो कुछ बता रहे हैं। आपको याद रहे, क्षमा करें, आप माफ़ करें, आपको याद रहेगा। नहीं सुन लीजिए अब आप वो क्या कह रहे हैं। अच्छा जी महाजन साहब, आपकी जो समस्या है, हाँ जी, आपका आदर करते हैं, आप इस उम्र में इतने जनकपुरी से चल करके यहाँ आए हैं, और जो आपकी एक प्रश्न है कि ओवरहेड टैंक है पांचवी मंजिल में, क्या करें हम, तो महाजन साहब यदि उस टैंक को प्रॉपरली क्लोज करके या तो किसी भी व्यक्ति को जो है वो ऊपर भेज कर दीजिए, इंश्योर कर लीजिए कि वो कम्प्लीटली कवर्ड हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दवा डालने की आवश्यकता नहीं है, मॉस्किटो की यदि एंट्री नहीं हो रही है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई नई जहर हो तो उसमें टेमीफॉस नाम की दवा आती है, टेमीफॉस बिल्कुल सेफ है और टेमीफॉस पीने के पानी में ही डाली जाती है। टेमीफॉस की दवा का उपयोग खास करके एक बीमारी नारू रोग की हुआ करती थी राजस्थान गुजरात के क्षेत्रों में, वहाँ खूब प्रयोग में हुआ है, लीटर्स में हुआ है। तो उसमें कोई जो है वो आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आपने जो सोप वाली जो है वो बात की कि उसमें बिल्कुल ये जो है वो संभावना है, और इसीलिए घर में मतलब केवल महिलाएं नहीं, सभी लोगों का दायित्व बनता है कि किचन को भी जो है वो ऐसा देखा है हमने, और मैंने खुद देखा है कि किचन में भी जो है वो एडीज ग्रो करता है और इसी तरह की चीजें जो है वो रह जाती हैं, कि वो पानी जो है वो रखा रहता है और काम वाली जो है वो उसमें, और एडीज की जो रोटी खा के पानी बरकत रखती है वो भी 6-7-8 घंटे पानी उनमें भी रहता है। ऐसा न होने दें, ये तो हम सब कर ही सकते हैं घर में, कि वो बर्तन न रखे, स्वयं धोके उसको प्लेट को ऐसे लगा दीजिए तो उसमें पानी जमा न हो। सबका सार यही निकल रहा है कि कहीं पे भी इस तरह का पानी न जमा हो घर में या घर के आसपास, जिसमें मच्छर पनपे, और क्योंकि इसका 100-200 मीटर ही इसकी रेंज होती है, इस टाइगर की 100-200 मीटर होती है, तो इसलिए ऐसा नहीं है आपके घर में नहीं है, बगल से भी आ सकता है वो, तो आपके यहाँ से दूसरे के यहाँ जा सकता है, तो ये दोनों वाइसी वर्षा हो सकता है। हमने घर में कोई पाक नहीं रखा फूलों का या दूसरे का। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे घर के इस तरफ भी और इस तरफ भी बड़े बड़े पाक रखे। अच्छा महाजन साहब, आप और आपके एक सवाल और कह रहे थे ना है आपका, तो पूछे। हमारे घर है उनके पास नालियां है सारी, वो नालियां जो कवर्ड है इतने इतने बड़े स्लैब से, वो उसमें होल होते हैं, वो होल से चीजों को, नहीं तो वेक्टर कंट्रोल हो जाए फिर तो बात ही, मलेरिया नहीं कब का खत्म हो गया होता भारत से, अगर वेक्टर कंट्रोल इतना आसान होता तो हम लोग पहले तो मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम चलता था, अभी फिर जब देखा कि वेक्टर कंट्रोल पूरा नहीं हो सकता तो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हो गया वो, तो ये समस्याएं हैं और इसका निवारण, इसीलिए डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर गोस्वामी ने भी कहा, ये खाली किसी 1-2-3 आपकी सबकी जिम्मेदारी है, भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है मच्छर को खत्म करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ रह जाएंगे उससे आप बाकी प्रिकॉशन ले सकते हैं, पूरी माह के कपड़े पहनना, रेपेलेंट लगाना, पंखा चला लेना। बहुत अच्छा किया आपने, आपके सवाल समाप्त हो गए। महाजन साहब
आपके सवाल समाप्त हो गए। अच्छा पूछ लीजिए एक और जल्दी से।